गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना ग्रोवर्स व्लॉग्स। तो गाइस, नवरात्रे चल रहे हैं और फीका खाना आजकल किसी को शायद पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैं आज चटपटा मखाना रेसिपी लेकर आई हूँ घीये के रायते के साथ, और बहुत ही डिलिशियस लगता है। जो लोग चटपटा खाने वालों में से है ना, जिन्हें तीखा चटपटा और तीखा ना भी बनाना चाहे, तो चटपटा तो किसे नहीं पसंद, और बनाने में भी बहुत ईजी है, हेल्दी भी है और वेट लॉस के लिए भी है। जो लोग वेट लॉस करने में भी लगे हैं उनके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। साथ में अगर हेल्थ भी मेंटेन रखना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है नवरात्रि में, कभी भी आप बना करके खा सकते हैं। ये लंच इतना फिलिंग वाला है और साथ में हेल्दी है, तो क्यों ना इसे बना करके खाएं। तो चलिए बनाते हैं इसे। जैसे ही नवरात्रि स्टार्ट होते हैं तो मखाने में बहुत सारे ड्राई रोस्ट कर रख लेती हूँ। ये मीडियम टू हाई फ्लेम में रोस्ट किए जाते हैं, काले ना हो बस ये ध्यान में रखना पड़ता है बहुत ही केयरफुली। और ये रोस्ट हो चुके हैं कैसे पता लगे, तो इनमें से कोई भी एक मखाना आप उठा करके थोड़ा सा तोड़ कर देख लीजिए। अगर तोड़ने पर चूरा हो जाता है ना थोड़ा सा, ये देखिए जिस तरह से ये टूट गया, तो इसका मतलब ये रोस्ट हो चुके हैं। मैं डब्बे में भर कर रख लूँगी, ये एक हफ्ता बड़े आराम से बहुत अच्छे से क्रिस्पी से ही रहेंगे। और कड़ी पत्ता का प्लांट भी है मेरे पास, तो कड़ी पत्ता भी मैं तोड़ कर रख लूँगी। तो जितने भी मखाने मैंने रोस्ट किया उसमें से एक बॉल मैंने मखाने का निकाल लिया है, उतने ही टमाटोज, उतने ही बड़े बॉल में टमाटोज, और हाफ मैंने पनीर ले लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी और नहीं भी ले सकते। और अदरक है ये थोड़ी सी, उसको मैंने टमाटोज के अंदर ही ग्रेट कर लूँगी। और मैंने कड़ी पत्ता भी तोड़ लिया है, थोड़ा सा धनिया भी तोड़ कर रख लिया है। अब मैंने पैन ले लिया है, उसमें ऑयल डाला है 1 टेबलस्पून, आप देसी घी भी डाल सकते हैं, और इसमें मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है। टेस्ट एनहेंस हो जाता है क्योंकि व्रत के खाने में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डलता है। तो कड़ी पत्ते को थोड़ा सा क्रैकल्ड होने देंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे जीरा। जीरा मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, और टमाटोज और जिंजर को भी डाल देंगे इसमें, और थोड़ा सा सॉफ्ट करने तक इसे पका लेंगे। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ा नमक, ये मैंने व्रत वाला नमक लिया है, सेंधा नमक 1/2 टीस्पून डाला है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और 1/2 टीस्पून मैंने रेड चिली डाली है, आप इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, जो भी आप खाना चाहें। और पनीर डाल दिया है मैंने इसमें, लेकिन अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो इसमें इसी टाइम पर पानी डालिएगा, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए, और उसके बाद पनीर डालिएगा पानी में बॉयल आने के बाद। और ये साथ ही मैंने मखाने भी डाल दिए हैं थोड़ा सा पनीर को टॉस करने के बाद। और मखाने डालने के बाद मैं इसमें धनिया डाला है, हरा धनिया चाहें तो डाल सकते हैं, और इसे अच्छे ढंग से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसके साथ ही हम बनाएंगे घीये का बहुत ही डिलिशियस रायता, इससे टेस्ट भी एनहेंस हो जाएगा। मैंने 100 ग्राम्स के बराबर घीया ले लिया है और उसको ग्रेट कर लिया है, और मैं पानी बॉईल कर रही हूँ। पानी बॉईल होने पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जो हमारा ग्रेटेड घीया है ना वो इसमें डाल करके ढक के रख देंगे, और थोड़ी देर के बाद इसका पानी अलग करके ठंडे पानी से वॉश कर देंगे। और अब मैंने कर्ड ले लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा ब्लैक पेपर डाल करके ब्लेंड कर देंगे इसे, और 1 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और ये घीया जो हमने धो करके रखा है वो इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे, तो रायता सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। ये रायता भी बहुत ही हेल्दी होता है, वेट लॉस के लिए स्पेशल होता है ये रायता, और आप इसे वैसे भी बनाकर खा सकते हैं। और मैंने साथ में हरी चटनी ली है, इसका मैं लिंक आपको दे दूंगी। और बहुत ही डिलिशियस सा लंच हमारा बन करके तैयार हो गया है, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और इससे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होगा, तो अच्छा लगेगा मुझे आपके कमेंट्स देख करके। और लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। ऐसी ही प्यारी प्यारी सी रेसिपीज़ देखने के लिए मैंने बहुत सारी वेट लॉस की रेसिपीज भी डाली है, और आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर आकर। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय बाय।